नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में OnePlus Nord CE 4 5G versus Vivo T3 X का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो CE 4 5G में 6.4 इंच जबकि T3 X में 6.52 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो CE 4 5G में 2.96 इंच जबकि T3 X में 2.99 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो CE 4 5G में 0.33 इंच जबकि T3 X में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो CE 4 5G में 186 ग्राम जबकि T3 X में 199 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि CE 4 5G से ज्यादा है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो CE 4 5G में AMOLED जबकि T3 X में LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो CE 4 5G में 20:1:9 जबकि T3 X में 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो CE 4 5G में 6.7 इंचेस जबकि T3 X में 6.72 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन CE 4 5G में 1080x2412px FHD+ और T3 X में 1080x2408px FHD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो CE 4 5G में 88.57% जबकि T3 X में 86.58% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो CE 4 5G में 394 पिक्सेल प्रति इंच जबकि T3 X में 393 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो CE 4 5G में दो कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। और T3 X की बात करें तो इसमें भी हमें दो कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो CE 4 5G में 14 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और T3 X की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो CE 4 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और T3 X में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो CE 4 5G में Adreno 720 जबकि T3 X में Adreno 710 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो CE 4 5G में Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 और T3 X में Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 मिलता है। बात करें RAM की तो CE 4 5G में 8GB की RAM मिलती है जबकि T3 X में 3 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 4GB, 6GB, 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो CE 4 5G में 2 विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 128GB, 256GB की स्टोरेज मिलती है जबकि T3 X में एक ही विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V14 देखने को मिलती है। बैटरी CE 4 5G में 5500 mAh जबकि T3 X में 6000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही दो कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। CE
सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की, तो CE4 5G में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 24,993 रुपीस, 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 26,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें T3X की, तो उसमें तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 13,499 रुपीस, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 14,999 रुपीस, 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 16,499 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स, यानी कि फायदे और नुकसान की, तो OnePlus Nord CE 4 5G में 8 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Vivo T3X की, तो उसमें 8 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की, तो डिस्प्ले में CE 4 5G आगे है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में CE 4 5G आगे है। दोस्तों, अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें, तो उसमें Moto G04 4G है, दूसरा Tecno Camon 35G है, तीसरा Realme 12 5G है, और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें, तो उसमें Samsung Galaxy M14 4G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।